सजाद साहब, वन मोर क्वेश्चन। ये जो आपके साथ मैं देखता हूँ 2-3 महीनों से, लगभग 4 महीनों से आपके साथ ज्वाइनिंग हो रही है, मोस्ट ऑफ द जो पॉलिटिशियंस इनमें से है वो PDP के साथ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, दीगर पार्टी के साथ थे। जब इन लोगों ने उनकी वफा नहीं की, आप कैसे एक्सपेक्ट करते कि ये लोग आपकी पीपल्स को कॉन्फ्रेंस की वफा करेंगे, ट्रस्ट कैसे आप पे? देखो आई विल टेल यू वन थिंग, योर क्वेश्चन आई एम थैंकफुल टू यू। आपने लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप इनके सामने बोल रहे हैं, देखो यार हीरो मत बनो, डोंट पास अ जजमेंट अपॉन वफा और बेवफा, डोंट एक्ट लाइक अ हीरो, डोंट एक्ट लाइक अ गॉड, देयर आर नो होली काउज इन कश्मीर, नो होली काउज, ना इस साइड ना उस साइड, वो मीडिया है ये पॉलिटिशियंस, आज कोई एक चैनल में होता है कल दूसरे चैनल में, वो क्या बदमाश है? ना आप सुन लो, आप जस्ट लिसन टू मी, वॉट यू आर सेइंग इज दैट इफ अ पर्सन फील्स कि सजाद साहब ठीक नहीं चल रहे हैं, ही लीव्स विदाउट जजिंग मी, यू प्री जज हिम कि ये बेवफा है। इतना ही नहीं, ये लोग पीसी में क्यों जा रहे हैं भाई? जब पीसी को सब छोड़ के जा रहे थे सन 2000, 2001, 2002 में, तब तो ये सवाल किसी ने नहीं पूछा, कुछ पार्टियां ही बनी पीसी पर। हक साहब किसमें थे, निजाम साहब किसमें थे, बेग साहब किसमें थे, तब कोई नहीं पूछ रहा था। एक मिनट, जब आप आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं? ये कोई नहीं बोलता है कि ये 45 साल पुरानी पार्टी है, 50 साल पुरानी पार्टी है, कभी लड़ने नहीं दिया, जब लड़ा चोरी की, कोई बात नहीं कर रहा, सब बने हैं यहां नेशनलिस्ट कश्मीरी। अगर नेशनलिस्ट कश्मीरी हो तो पूछो क्या हुआ 87 में, क्या हुआ 83 में, क्यों नहीं बात करते हो उसकी? कोई आएगा क्यों आया, ये तो पूछो कि ये पार्टी थी कितनी बड़ी, किया क्या इनके साथ? 83 में लग रहा था दैट दे विल रिप्लेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, नहीं 83 में तब चोरी, 87 की चोरी सबको पता है। अब जब सबको पता थी कि यहां जाने इधर जाने से जीतने ही नहीं देते, आज माहौल चेंज हो गया, इनको लगता है कि शायद स्पेस मत मिलेगी और भी पार्टियों को, बोला चलो हम देखते हैं इस पार्टी में, ये पहले भी थी, ये क्यों जा रहे हैं वहां? अच्छा जब जा रहे थे यहां से तब क्यों नहीं पूछा? सबसे बड़ी बात है बेटा, आप कुछ यंगस्टर्स भी हो, आई बेग ऑफ यू प्लीज रीड हिस्ट्री, वी आर ऑल इनकम्प्लीट विदाउट हिस्ट्री, व्हाट यू सी टुडे हैज अ लिंक टू द पास्ट, नथिंग इज अनलिंक्ड, नथिंग इज अनकोऑर्डिनेटेड, प्लीज रीड हिस्ट्री एंड आई विल टेल यू वन थिंग, वी विल डू व्हाट इट टेक्स टू अशर इन अ न्यू एरा। सर, आर यू एक्सपेक्टिंग इलेक्शंस एनी टाइम सून? यार बोल तो रहे हैं, दे आर सेइंग इन मार्च होगा या अप्रैल होगा, दैट इज द आइडिया वी गॉट व्हेन वी केम फ्रॉम द मीटिंग, कोई डेट किसी ने दिया नहीं, बट दैट इज द आइडिया वी गॉट, वी बिलीव दे विल बी हेल्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी, वी हैव टू रेडी बी रेडी एनी टाइम एंड गिवन, जो यहाँ दिल्ली का ये है, दे गिव सरप्राइजेस, कभी सम डे विल गेट अप इन द मॉर्निंग तो वहाँ नोटिफिकेशन निकली होगी जी 1.5 महीने में इलेक्शन आप देख लो ना क्या हो रहा है। सो अगर होगा इंशाल्लाह, जब भी होगा वी हैव टू बी रेडी, हम एक टीम तैयार रख रहे हैं इंशाल्लाह रहमा, ये तो अभी हम थोड़ा कंसोलिडेशन करेंगे, फिर तो हम घर घर जाएंगे इंशाल्लाह, गाँव गाँव जाकर अपनी जो कुछ भी हमने बातें बोलनी है वो बोलेंगे इंशाल्लाह। उनके साथ नहीं, क्या आपको लगता नहीं है कि 5 अगस्त 2019 को जो बड़ा चैलेंज था जम्मू कश्मीर के लिए, उससे भी बढ़कर कोई और चैलेंज है जो आने वाले वक्त में आपकी और आपकी पार्टी को फेस करनी है? क्यों नहीं, चैलेंजेस तो आते रहते हैं, यू नो चैलेंजेस। देखो यार एक चीज मैं आपको बता दूं, मीडिया भी यहाँ है, थिंग्स डोंट रिमेन द सेम, हालात बदलते रहते हैं। 5 अगस्त के बाद अगर आप देखें तो कश्मीरी सोसाइटी, कश्मीरी पॉलिटी, यानी कि पॉलिटिकल जो हमारा मेन स्ट्रीम था, वी आर ऑन द बैक, लेकिन ये तारीख गवाह है, कोई भी कौम हमेशा उम्र भर बैक फुट पर नहीं रहती, हमारा भी फ्रंट फुट पर खेलने का टाइम आएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट लीडरशिप का चैलेंज ये होता है, लीडरशिप कांट अफोर्ड टू एक्ट इन अ मैनर कि जिसे उसके कौम को नुकसान पहुंचे, कौम को बचाना भी एक लीडरशिप स्किल होती है, सबसे बड़ा स्किल होता है अपने नौजवानों को बचाना, अपनी कौम को बचाना, और पेशेंस इज अ लॉन्ग गेम, नथिंग स्टार्टेड ऑन August 5 एंड नथिंग एंडेड ऑन August 5, थिंग्स विल गो ऑन, पॉलिटिक्स विल गो ऑन। सब ऑन ग्राउंड हम बात करते हैं, पब्लिक से एक एंगर भी देखने को मिल रहा है, देखिए एंगर हर जगह होता है लीडरशिप के खिलाफ, कोई भी दुनिया में जगह नहीं है जहां
एग्जिस्टिंग लीडरशिप के खिलाफ एंगर नहीं। ठीक है, एंगर तो है, हमारा रोल भी बनता है, बट एज ऑन डेट वी आर पावरलेस, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं। और जब मैंने बोला एंगर है, साथ मैंने बोला कि लोगों को बचाना, अपने नौजवानों को बचाना, वो भी एक लीडरशिप स्किल, और मैंने बोला पेशेंस भी चाहिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, लेकिन देखते हैं आगे। और एंगर हमारे खिलाफ भी होगा, एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी होगा, अगस्त 5 के खिलाफ एंगर है, सिमरिंग एंगर है, बड़ा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बट वी आर अवेयर। लेकिन एज ऑन डेट देर इज वेरी लिटिल वी कैन डू। सी इट लाइक दिस इज अ लल बिफोर स्टॉर्म। Sajjan Saab, PAGD in statement on August 5 said that they are disappointed that the Prime Minister didn't follow up on the meeting of June 24, and they said that things didn't unfold as expected. What's your stand on these? Because you also went on the meeting. Has there any been follow up on that? Yaar, dekho, disappointment to 5 August ke baad hi it's galore. But to be very honest with you, I did not have any delusions about that meeting. What happened there was a social interaction, a political interaction, exchange of ideas. I personally did not expect anything from there. I don't think, मुझे ऐसा नहीं था कि वहाँ कुछ हम लेकर आएंगे. But yes, you know, I don't hold it against them that they expected something and they did not, they believe that it is not unfolded. So, but as far as I am concerned, मुझे भी अंदाजा था कि इसका scope limited होगा. I just hope that they follow it up, एक महीना नहीं, दो महीना नहीं, तीन महीने बाद, चार महीने बाद बेशक से, बट दे फॉलो अप इट समथिंग। आई थिंक नीड ऑफ द आवर तो है कि देयर शुड नॉट बी अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन दिल्ली एंड श्रीनगर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपेरेटिव दैट देयर इज नो कम्युनिकेशन गैप, दैट एंगेजमेंट गोज ऑन, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। INS Extremely fearless journalism.